मेला के बारे में बता दे तो यह मेला सिर्फ बिहार या भारत का ही नहीं पूरे एशिया का नंबर वन और फेमस मेला है। क्या बोला आप भाग्यशाली है, क्या मिल सकता है? लॉटरी में पैसा मिल सकता है। किस में पैसा? लॉटरी में। अच्छा लॉटरी में, अरे यार हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? थोड़ा लेट ही सही लेकिन सोनपुर मेला आए जरूर, और आप लोग साथ सोनपुर मेला को हम एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया है, एक्चुअली मैं दिल्ली में था जिस वजह से सोनपुर मेला नहीं घूम पाए थे। कल परसों आए हैं और आज मेला भी आ गए हैं और आप लोगों के साथ इस मेला को एक्सप्लोर करते हैं। बाकी का आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ा सा इस मेला में कुछ यूनिक मिल गया है, वजन जो होता है यहाँ आवाज़ के द्वारा पता चलता है और कुछ आदमी के बारे में बोला जाता है जो कि सही होता है कि नहीं, हम भी थोड़ा सा तुलवाएंगे, मतलब तुलना करवाएंगे, उसके बाद देखेंगे। आप 62 किलो है भैया, इसमें सब सही सही बताता है ना? बिल्कुल ना, ट्राई कर ले ना। ये वजन करवाने में 10 रुपया ही जब लगता है, क्यों ना करवाया जाए और देखा जाए कि हमारे बारे में क्या बोला जाता है और कितना वजन होता है, साथ में देखा जाए। तो चलते हैं और देखते हैं कि कितना होते हैं हम। इसमें कैमरा वगैरह भी सेट करना पड़ता है। अच्छा, इसमें कैमरा वगैरह सब रहता है ना? नमस्कार, लो है, आप भाग्यशाली हैं, आपको लॉटरी में पैसा मिल सकता है। नमस्कार। क्या बोला आप भाग्यशाली है, क्या मिल सकता है? लॉटरी में पैसा मिल सकता है। किस में पैसा? लॉटरी में। अच्छा लॉटरी में, अरे यार लॉटरी तो हम खेलते ही नहीं है। कितना? 10 रुपया बना। चलिए थैंक यू। एक्चुअली जो यह मशीन था, आपकी वजन तो एक्यूरेट सही बता देती लेकिन आपके बारे में जो बोलता है वो थोड़ा सा गलत बताता, क्योंकि कभी लॉटरी खेले भी नहीं है और लॉटरी के बारे में बोला था। अब बाकी जब भी कभी आप सोनपुर मेला आते हैं तो एक बार यहाँ पर आकर वजन करवा सकते हैं। पैसा की बात करें तो मात्र 10 रुपया ही है। और इस मेला के अंदर में प्रोग्राम वगैरह भी रात वगैरह में होते रहता है हमेशा। तो कल रात में यहाँ पर मैथिली ठाकुर आई थी जो कि इधर आप लोग देख सकते हैं, और हर रोज़ कोई ना कोई आती ही रहती थी। तो कल मैथिली ठाकुर आई थी, तो कल का सीन तो आप लोगों के साथ नहीं दिखा पाए थे लेकिन आज जो मेला में हो रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर। बाकी का सोनपुर मेला में आएंगे तो आप लोग ये सब देखने को मिल जाएगा। जैसा कि इधर आप लोग देख सकते हैं, सोनपुर जंक्शन है, उसका नक्शा वगैरह बनाया गया है जो कि आप लोग इधर देख सकते हैं, और इसका सिनेमैटिका उधर आप लोग देख सकते हैं। ATVM जो मशीन न्यू आया है वो भी उसका फिगर उधर बना हुआ है जो कि आपको थोड़ा सा सिनेमैटिका एंजॉय उठाइए और आप लोग देख सकते हैं। और ये है सोनपुर जंक्शन। आपको बता दें यह जो सोनपुर मेला है पूरा 2 साल बाद लगा है, कोविड के कारण यह मेला नहीं लगा था तो 2 साल बाद यह मेला लगा था। इस मेला के बारे में बता दें तो यह मेला सिर्फ बिहार या भारत का ही नहीं पूरे एशिया का नंबर वन और फेमस मेला है। बाकी का इस मेला को पशु मेला भी कहा जाता है। बाकी का जो जो चीज़ हो रहा है आपको हम दिखा रहे हैं, और यह मेला में जो पार्ट हम वीडियो आपको दिखाएंगे, जैसे कि हो गया कुत्ता बाजार, घोड़ा बाजार, बकरी बाजार, उसका पार्ट करके आप सभी के साथ हम वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि मेला बहुत बड़ा है, एशिया का नंबर वन मेला है, तो एक वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल तो नहीं है, तो इसको पार्ट बनाकर आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। बाकी का बताइए वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताइए, और आप लोग इस बार मेला घूमे कि नहीं घूमे वो भी कमेंट करके बताइएगा। 2019 बाकी का आप सभी को बता दो इस मेला में आपको इस प्रकार के कला भी देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोग इधर देख सकते हैं। बाकी का इस सब को देखने के लिए यहाँ पर लोग भी देख सकते हैं कितना भीड़ उमड़ चुका है। बाकी का और चीज़ आपको दिखाते हैं।
ओके, तो आपको बता दें यह पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर पशु वगैरह विभिन्न प्रकार के पशु वगैरह भी मिल जाता है। और इधर अभी एक जानवर है बकरी, जो कि बकरी का मार्केट इधर है, और जो कि चारों तरफ यहाँ पर बकरी मिलेगा। फिर उसके बाद अभी हम जाने वाले हैं उस तरफ, जो कि घोड़ा का मार्केट, वहाँ घोड़ा वगैरह मिलता है। तो वहाँ घोड़ा के मार्केट में जाकर वहाँ पर घोड़ा का क्या रेट वगैरह रहता है वो सभी आप सभी के साथ शेयर करें। सॉरी दोस्तों, अचानक मुझे घर वापस आना पड़ गया, क्योंकि मेरे साथ में जो एक अजीत जी थे उनका हेल्थ ज़्यादा ही खराब हो गया, जिस वजह से सोनपुर मेला से अचानक मुझे घर आना पड़ गया। 2 बजे ट्रेन था, ट्रेन पकड़ी, अचानक घर पर आ गए, तो इस वजह से वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो आशा करते आज की इस वीडियो में जो भी आपको दिखाए होंगे अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए जुड़े होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ।